वही लिख के आना, हम पास हो जाते थे हमारी पार्टी का। बस एक बार हम सिलेक्टेड था डिनर का, उसमें पार्टी कर देता। फिर उसके बाद क्या था, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ओवर भी हुआ। ओवर होने से पहले ही मैं ESI का एग्ज़ाम लगा था, तभी मैंने पढ़ाई शुरू की। लेकिन तब भी इतना जॉब करते रहते हैं, नाइट चलती है तो नहीं हो पाता। फिर भी सिस्टर भी हेल्प करती थी, लेकिन नहीं हुआ मेरा। उसमें 72 मार्क्स आए थे लेकिन नहीं हुआ कोई नहीं। फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, मैं उस दिन ही एक अच्छी कोचिंग सर्च करूँगी। मैंने और रचना ने पहले से प्लान कर रखा था कि हम जाएंगे अच्छी कोचिंग देखेंगे। इवन हम जयपुर भी गए तो उसमें क्या था कि 200-250 बच्चे एक ही मतलब कोचिंग में बैठे हुए हैं। हमारी तो हालत पूरी हो गई, मतलब हमने देख के कि मतलब ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। सामने LCD लग रहा है तो उसमें से देख देख के, लेकिन हमारा माइंड मेकअप ऐसा नहीं है कि हम ऐसा पढ़ लें। फिर हम आए, वापसी आए, सर्च किया सारे में। रोहित सर से मेरी बात हुई पहले स्टार्टिंग में, सर से बात किया कि सर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या शाहदरा में भी है, जो एक्चुअली मैं शाहदरा की रहने वाली हूँ। तो मैंने पूछा सर से, सर कोई इसकी ब्रांच भी आस पास? तो सर ने बोला था कि पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं का भी पढ़ सकता है, इसलिए फिर मैंने आई है। फिर मैंने बात की सर से, सर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो टीचर आते हैं वो एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं आ रहे, क्योंकि ये मैंने पहले ही फेस कर लिया था एक कोचिंग में, कि जहाँ पे भी मैं जा रही थी कि मैंने 10 दिन क्लास ली थी, उसमें से 3-4 दिन मैं रेगुलर रही। मैंने देखा कि टीचर का वेट किया जा रहा है 3-3, 4-4 घंटे। ये कोई बात ही नहीं थी कि मैं तो हम ही इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, इतने में तो हम घर भी पढ़ लेते। तो फिर कुछ नहीं, फिर मैंने वो छोड़ दी। फिर मैंने इस वाली कोचिंग में देखा, फिर सर से बात हुई, मैं यहाँ आई, मैंने रचना को बताया, रचना भी आई, तो हमने तीनों ने डेमो लिया। करिश्मा भी आई थी इधर, तो हमने सबने डेमो लिया, हमें पसंद आ गई। देखो एक और के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हमें यही से कोचिंग करनी है। हमें सारे जो टीचर थे सबका बेस्ट लगा पढ़ाया हुआ। और मेरा क्या काम था, सर ने पहले ही बोला था पहली क्लास में, मुझे आज भी याद है, कि तुम्हें अपनी तरफ से डिसिप्लिन रखनी है। सारी चीज़ पढ़ने का टाइम, क्या मटेरियल पढ़ना है, सब कुछ मैं तुम्हें बताऊँगा, सिर्फ तुम अपनी तरफ से डिसिप्लिन रखो तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। और मैंने उसी दिन अपना चार्ट लगा दिया था अपने कमरे में। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैंने इतना बड़ा चार्ट लगा रखा। मेरी सिस्टर ये बोलती हैं कि यार तूने तो कमरा ख़राब कर दिया। मतलब उसमें चिट बनाती हूँ मैं, उसको चिपका देती हूँ। जैसे मुझे किसी टीचर की अच्छी लगती है, जो भी लाइक, मैं लगा देती हूँ। और मैंने अपना पढ़ाई का जितना भी मतलब मुझे जो चीज़ याद नहीं होती, मैं उसको चिपका देती हूँ। तो मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप याद कर सकते हो। बाकी सारा जितना भी सर बताते हैं, इतने MCQ करने हैं, इतना NCLEX करना है, तो सारा जो भी सर बता रहे हैं ना, एक्यूरेट वैसे ही करना है। एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जब भी कोई टेस्ट लगता था अकाउंट वाला ही, तो मैं उस टाइम नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन अगर तो उसके अलावा अगर मुझे लग रहा है कि मैं दूसरे दिन उसके डबल क्वेश्चन कर लेती थी कि मुझे उसका कंपनसेट करना है। और मेरा आने जाने में ही घर तक जाने में मुझे 1.5 घंटा लगता था। तो 1.5 घंटे में क्या था, मेरा ये था कि जितना भी कोचिंग का पढ़ा हुआ ना, मेरे तो मैक्रो में ही रिवाइज हो जाता था। कि मतलब घर तक तो मुझे जरूरत ही नहीं थी कि मैं वो चीज़ पढ़ूँ। मेरे पिक्स तो हो गई थी एक एक लाइन कि एक एक कॉपी थी, उस कॉपी में वो लाइन उस पर लिखा हुआ पेज पे, ऐसे ही हो गया मेरे साथ। फिर मैंने पढ़ा, सारा कुछ पढ़ा, ये हुआ, सर ने बताया। और एक और चीज़, जब टैली एम्स का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद क्या था कि पहले रायपुर का होता, रायपुर के बाद मैंने सर को मैसेज किया, सर को बताया, सर अगर ऐसा पैटर्न दिल्ली में आ गया फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन रायपुर का मतलब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा अलग ही था। तो मुझे लग रहा था कि सर अगर ऐसा पेपर आ गया ना, तो फिर तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सर कह रहे थे घबराओ मत, हो जाएगा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था कि मैंने सारी जगह के फॉर्म फिल कर रखे हैं, तेलंगाना का भी फॉर्म फिल किया था, उसका एडमिट कार्ड आया। एडमिट कार्ड आने के बाद मैंने सर को मैसेज किया, सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया, सर ऐसे ऐसे एग्ज़ाम है, मैं देने जाऊँ या ना जाऊँ? तो सर ने कहा कि मोनिका तुम्हारा इसमें ही हो जाएगा टैली में, तुम चिंता मत करो हो जाएगा। मैं कहा सर आप तो एक बार बोलते हो बोल नहीं गया। तो फिर नहीं सर को लेकिन पता चल जाता है जब होने वाला होता ना, सर तभी बोलता। मैं कहा सर कह रहे हैं, फिर मैं गई नहीं, लेकिन गई नहीं तेलंगाना। MNS का मेरा क्लियर हो गया था, MNS का मेडिकल था, मेडिकल क्लियर किया।
मेडिकल के बाद क्या था, उसी दिन कंप्लीट हुआ था, उसी दिन रिजल्ट आया था 20 को। मैं तो सो रही थी आराम से, लेकिन मैं थक गई थी पूरा। 8 बजे तक घर पर पहुँची थी, तब करिश्मा की कॉल आई। करिश्मा ने बताया कि मोनिका तेरा नंबर आ गया, देख तो सही, चेक कर एक बार। फिर मैंने व्हाट्सअप फोन किया कि मैंने देखा सर के भी मैसेज आ रहा है। जब बता पता चला कि सही में यार मेरा नंबर आ गया, फिर भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने कहा मोनिका गौतम तो है लेकिन लग नहीं रहा कि ये मेरा नंबर है। तब भी इतनी नेगेटिव थी मैं। फिर क्या क्या मैंने यार यार फोन नंबर चेक कर, तो मेरी सिस्टर भी हाँ जल्दी निकाल। फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा यार एक्यूरेट है, इस बार तो मेरा नंबर आ गया। फिर यही मैंने बताया सर को, सर मेरा नंबर आ गया। तभी मैंने सर से बात की, मैम को बात की, मतलब जितनी भी फैकल्टी यहाँ की है ना, सबसे बेस्ट फैकल्टी है। आपको सिर्फ यही फॉलो करना है, यही पढ़ना है, बी सीरियस और सिंसियर रहो, डिसिप्लिन रहो, तो जल्दी निकल जाए। यही।